क्या सबसे ऊंची, यानी यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ी, और कितना एक जबरदस्त ये बड़ा तगड़ा ग्लेशियर। मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरे इतने अंदर सारे गर्म कपड़े होने के बाद भी मुझे अंदर से बहुत बड़ी सर्दी लग रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरी है हालत है इस सर्दी के अंदर, यहाँ -14-15 डिग्री टेम्परेचर है इस समय पर, जब मेरा ये हाल है तो वो सैनिक जो -40 डिग्री टेम्परेचर पर काम करते हैं उनका क्या हाल होता होगा। सच में वो सैल्यूट करने के काबिल है कि अपने शरीर को, अपनी जान को संकट में डालकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन एक बात कमाल की है और वो है हमारे पास वो विज्ञान, वो न्यूरोथेरेपी। ये न्यूरोथेरेपी जब माइनस डिग्री टेम्परेचर पर, 40 डिग्री टेम्परेचर पर बाहर हाथ निकालते ही जहां अकड़ जाता है, तो उस अकड़न को, टेम्परेचर की अकड़न को तो नहीं रोक सकता लेकिन अकड़े हुए हाथ को नॉर्मल जरूर कर सकता है। और इसी प्रकार से जब टेम्परेचर जहां बहुत डाउन हो जाता है और पहाड़ी बहुत ऊंची होती है, उस समय पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो ऑक्सीजन की कमी सांस लेने में तकलीफ का कारण बन जाती है। न्यूरोथेरेपी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देती है, और न केवल लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देती है, साथ ही साथ व्यक्ति को उस संकट से भी, उस कठिनाई से भी उबार देती है। तो मैं भारत की राजधानी दिल्ली से शांति सद्भावना कम, जब -30 डिग्री टेम्परेचर हो और जवाब दे दे गर्दन, तो मैं बताता हूं कैसे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। ये पीछे ये जो हमारे एरिया है, जब इसके ऐसे रविंग करते हैं 12-15 बार इधर रविंग करें और 12-15 बार इधर रविंग करें, इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार फ्रंट में भी लंग्स को इस तरह से करने से जो हमारी ऑक्सीजन है शरीर की, वो केवल लंग्स की ऐसे मसाज करने से नीचे से ऊपर, और साथ ही ये जो स्पाइन का एरिया है ऊपर से नीचे जब हम रब करते हैं, तो इससे ऑक्सीजन की जो धारक क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन बढ़ाने का ट्रीटमेंट मैंने आपको यूरोप की सबसे ऊंची चोटी से 13,000 फीट की ऊंचाई से आपको बताया है। अब अगला ट्रीटमेंट बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।